हे गाइस, माय नेम इज वीरेन सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट रनिंग एकेडमी। यहाँ पे कई सारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं। अभी डीबीटी जेआरएफ को हम टारगेट कर रहे हैं। फ्री सेशंस आपके यूट्यूब पे अपलोड किए जाएंगे और होप कि आप लोगों को सेशंस पसंद भी आएंगे। अगर आपके कोई सजेशंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब। हे गाइस, माय नेम इज वीरेन सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट रनिंग एकेडमी डीबीटी जीआरएफ क्रैश कोर्स। बूस्ट करिए अपने प्रिपरेशन को मेरे साथ। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज द फर्स्ट वीडियो, तो मैं आपसे कुछ डिस्कस भी कर देता हूँ कि यहाँ पे पार्ट ए बेसिकली हम पार्ट ए को स्पेसिफिकली फोकस करेंगे और पार्ट बी के भी कुछ न्यूमेरिकल्स को मैं लेके आने की कोशिश करूंगा और पार्ट ए के एप्टीट्यूड सेशंस के भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे एक हमारे एजुकेटर के द्वारा, जिनका नाम है अजय कुमार नामदेव। ऑलरेडी वो गेट के क्रैश कोर्स में एप्टीट्यूड पढ़ा चुके हैं और उन्हीं के थ्रू आपके गेट के जो खासकर एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशंस को हम इसी सीरीज में, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हर सुबह 10 बजे हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो आपके लिए लेके आए, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे। उस वीडियो को देखें और जाके प्रैक्टिस करें कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं उसी प्रॉमिस पे खरे उतरने की कोशिश करूंगा और ये वीडियोज जल्दी 15-20 मिनट के आसपास के वीडियोज होंगे। और इन वीडियोज से आप क्या करेंगे कि पहले कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद जो है जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन को और लर्न करेंगे कि हाँ क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर जो भी इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ये सारी चीजें जो हैं उनके प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए डीबीटी जेआरएफ क्रैश कोर्स। सो वंस अगेन वेलकम टू द सेशन। शुरू करने से पहले, जैसे कि ये पहला वीडियो, तो एक छोटी सी लाइन के साथ शुरू करता हूँ, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट लाइन, जिसको बोलते हैं कि ढूंढ लेते हैं अपने मंजिल अंधेरों में भी, ढूंढ लेते हैं अपने मंजिल अंधेरों में भी, जुगनुओं को किसी इशारे की जरूरत नहीं होती। ढूंढ लेते हैं अपने मंजिल अंधेरों में भी, जुगनुओं को किसी इशारे की जरूरत नहीं होती। जिन्हें भरोसा होता है खुद पर, जिन्हें भरोसा होता है खुद पर, उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल पे स्पेसिफिकली फोकस किया हूँ। बेसिक नॉलेज आप लोग पढ़ रहे होंगे ऑलरेडी, मैंने स्ट्रेटजी पे अनअकैडमी पे फ्री सेशन में बता दिया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल पे जाके आप लोग उस स्पेशल क्लास को देख लीजिएगा। 31 अगस्त को वो मैंने 9 PM पे सेशन लिया था, आपको मिल जाएगा। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। द मॉलिकुलर वेट ऑफ द प्रोटीन इज 30 किलो डाल्टन। जो मॉलिकुलर वेट है वो 30 किलो डाल्टन है, ये बोला जा रहा है। द मॉलिकुलर वेट ऑफ अ प्रोटीन इज 30 किलो डाल्टन। तो बताना है कि द मिनिमल लेंथ ऑफ mRNA एनकोडिंग दिस पेप्टाइड विल बी क्लोज टू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आपने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी होंगी तो वो बेसिक चीजें इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। कैसे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इन्होंने ये बोला है कि 30 किलो डाल्टन है मिनिमम लेंथ mRNA का बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कि इस वीडियो में या इस चीज़ों पे जो मैं कोशिश करूंगा कि देखिएगा, 30 किलो डाल्टन को जरा सा डाल्टन में कन्वर्ट करिए, किलो को जब डाल्टन में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी 30,000 डाल्टन, दिस वुड बी द 30,000 डाल्टन। 30,000 डाल्टन के ऊपर जब बात करते हैं, द मिनिमल लेंथ ऑफ mRNA इनकोडिंग दिस पॉलीपेप्टाइड। अब इस पर्टिकुलर प्रोटीन का 30,000 प्रोटीन को कितने नंबर ऑफ, अभी तो ये मॉलिकुलर वेट है, जब ये मॉलिकुलर वेट है तो हम इसको नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि एक अमीनो एसिड के मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड हैं। तो अमीनो एसिड के ऊपर जब हम बात करते हैं तो समझिएगा कि सी दिस इज लाइक, ये जो मिनिमम लेंथ mRNA एनकोडिंग है इसमें बेस पेयर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बेस पेयर होना चाहिए, क्योंकि मेंशन नहीं किया इन्होंने, मिनिमम लेंथ बस बता दिया। व्हाट इज इट बेस पेयर व्हाट, ठीक है। तो ये जो है बेस पेयर मेंशन करना चाहिए, बट स्टिल अगर मेंशन नहीं किया तो कोई बात नहीं है। चलिए देखिएगा कि एग्जैक्टली मैं इस नेक्स्ट सोल्यूशन पेज पे जाता हूँ कि क्या चल रहा था। तो मैंने क्या किया कि ये देखिएगा कि 30 किलो डाल्टन गिवन क्या है कि जब भी क्वेश्चन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव लाइक गिवन 30 किलो डाल्टन, सो दिस मस्ट बी 3000, 30 हो गया तो 30,000 डाल्टन,
30,000 को हम क्या करेंगे, 30,000 को हम डिवाइड करेंगे 110 डाल्टन से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो आप कैलकुलेट करेंगे दिस इज लाइक आप इसको 11 से मतलब डिवाइड करना है 3000 को, तो कितने टाइम्स जाना चाहिए, तो ऑलमोस्ट 2 टाइम जाएगा, दिस इज लाइक 2 टाइम्स। उसके बाद 8 बचेगा तो 7 टाइम्स आएगा। अगर आप नॉर्मली किसी को ऐसे नहीं पता है कैलकुलेटर, ऑल दो कि डीबीटी गेट में मिलेगा, बट स्टिल 3000 को आप अगर नॉर्मल बचपन में जैसे करते थे, ये 11 कर ये 22 हो जाएगा, बचेगा 8, ये 80 हो जाएगा, 2 के बाद आएगा 777, फिर आ जाएगा 3, दिस इज 273। सो दिस इज नाउ 273, ये जो हो जाएगा 273 अमीनो एसिड विल बी देयर। जब ये 273 अमीनो एसिड हो जाएगा तो आफ्टर दैट एक अमीनो एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए जनरली 3 कोडॉन्स या 3 बेस पेयर की जरूरत पड़ती है फॉर वन अमीनो एसिड। एज यू नो दैट कि वन अमीनो एसिड को कोड करने के लिए यू नीड 3 बेस पेयर ऑफ कोडॉन, कोडॉन का जो होता है 3 बेस पेयर चाहिए। तो इतने अमीनो एसिड कोड करने के लिए कितने चाहिए, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, कितने कोडॉन चाहिए, दैट मीन्स 9 3 7 1 6 2 8, 819 बेस पेयर जो है इतना mRNA में ऑलमोस्ट होगा। एटलीस्ट जब इतना mRNA में है तो दिस इज वेरी नियरली टू द 800 नॉट 900, क्योंकि 19 ही ज्यादा है, सो इट इज नियर। अगर 850 जब भी नियर के बाई की अगर हम बात करते किसी को पता है तो, अगर जैसे देखिएगा कि 850 से अगर कम है तो इट इज नियरली इक्वल टू द 800 हम रखेंगे, और अगर इट इज ग्रेटर देन 850 है तो हम इसको नियरली रखेंगे 900। ठीक है, तो आधे से ज्यादा होगा, दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस है तो उसके आधे से ज्यादा होगा तो 900 के करीब, और आधे से कम है तो 800 के करीब। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वन। ठीक है, तो 30 किलो डाल्टन, पहले आप नंबर ऑफ अमीनो एसिड निकालिए, अमीनो एसिड निकालने के बाद उसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन mRNA। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो क्या है, दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5 ml ऑफ 1 μM सॉल्यूशन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5 ml ऑफ 1 μM सॉल्यूशन, मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन इज 25 किलो डाल्टन। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको मॉलिकुलर वेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करना है तो आपको मॉलिकुलर वेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एग्जैक्टली मॉलिकुलर वेट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। ठीक है, मोलैरिटी तो मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर देखेंगे तो मोलैरिटी इज दैट नंबर ऑफ मोल, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर और ml। ml में करेंगे तो 1000 ml से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल को अगर हम डिवाइड करें तो इट इज वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ये होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट एंड वॉल्यूम इन लीटर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। व्हाट दे हैव गिवन, अगर आप देखेंगे तो इस फॉर्मूले में बहुत सारी चीजें दी हुई थी, तो जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो सबसे पहले लिख लो गिवन क्या क्या है। गिवन क्या है, 5 ml वॉल्यूम दिया हुआ है, that is 5 ml, that means 5 × 10⁻³ liter, ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ liter, and 1 μM is the molarity, molarity दिया हुआ है, that molarity is 1 μM, that means 1 × 10⁻⁶ molar, this is the molarity, is there weight also, yes, वेट इज 20, मॉलिकुलर वेट इज 25 किलो डाल्टन, बट मॉलिकुलर वेट इज गिवन दैट 25, दैट मीन्स 25 × 10³ डाल्टन, दिस इज द केस। ठीक है, ये जो होगा केस आपका बनेगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि इस केस में अगर हम देखेंगे तो एग्जैक्टली अगर आप नॉर्मली इस केस में देखेंगे सो ये हो जाएगा 25 डाल्टन, तो ये मॉलिकुलर वेट है। आपसे पूछा क्या है, दैट वेट What is the amount of protein? That means weight. Weight क्या है? तो weight के लिए इस formula को use करिए, इस formula को use करिए, अपने आप सारा solve हो जाएगा। Volume को इधर भेजेंगे, तो weight upon molecular weight is equal to molarity into volume.
डिवाइड, अगर मोलिकुलर वेट को भी पूछ दीजिए तो वेट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू मोलिकुलर वेट। मोलैरिटी कितना था? 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मोलर इंटू दिस वॉल्यूम इज 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लीटर इंटू मोलिकुलर वेट इज 25 इंटू 10 टू पावर 3 डाल्टन। 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद 25 और 5 मिलके 125 बना लेंगे, 125 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 ग्राम। 125 10 टू पावर माइनस 6 को जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 125 माइक्रोग्राम या 0.125 नैनोग्राम। तो इस तरीके से हम इस चीज को कर सकते हैं। 125 नैनोग्राम होगा या माइक्रोग्राम होगा, अगर आप देखेंगे तो ये जो केस होगा 0.125 नैनोग्राम नहीं होगा, नैनोग्राम में ये ज्यादा जाएगा क्योंकि माइक्रो से नैनो जा रहे हैं, तो इस यहीं पर रहने दो, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर आप देखेंगे तो 125 बिकॉज इस इज 10 टू पावर माइनस 6 तो ये माइक्रोग्राम में हो जाएगा। जिसको नहीं पता है 10 टू पावर माइनस 3 इज मिलीग्राम, 10 टू पावर माइनस 6 इज द माइक्रोग्राम एंड 10 टू पावर माइनस 9 इज नैनोग्राम। सो 10 टू पावर माइनस 6 इज देयर सो इट इज माइक्रोग्राम, माइक्रो इज 10 टू पावर माइनस 6, तो ये जो है 125 माइक्रोग्राम आ जाएगा। इट इज वेरी वेरी सिंपल विच इज बेस्ड ऑन द मोलैरिटी फॉर्मूला। ये जो क्वेश्चन था मोलैरिटी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूँ कि वॉट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन ए डी एच सोल्यूशन। अगर आप देखेंगे कैलकुलेट द एन ए डी एच, कैलकुलेट द एन ए डी एच सोल्यूशन हूज ए 340, ठीक है। एक एन ए डी एच सोल्यूशन है जिसका कि एब्जॉर्बेंस 340 नैनोमीटर पे, जब इस तरीके से चीजें लिखी रहे इसका ये मतलब है कि 340 नैनोमीटर पे उसका एब्जॉर्बेंस जो है 0.8 ओडी है, ऑप्टिकल डेंसिटी है। द ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज 10 मिलीमोलर, ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो है वो 10 मिलीमोलर है। एनएडीएच मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इज एप्सिलॉन 340 इज 6220, व्हाट शुड बी द कॉन्सेंट्रेशन। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द बियर्स एंड लैम्बर्ट लॉ। अगेन यू हैव टू राइट फर्स्ट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगेन जिस तरीके से मैं चल रहा हूं अगर उस तरीके से क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, व्हाट इज गिवन, दे हैव गिवन द एब्जॉर्बेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्बेंस, दैट इज 0.8, व्हाट इज इट 0.8, व्हाट इज द एप्सिलॉन वैल्यू, एक्सटेंशन कोफिशिएंट वैल्यू 6220, इज दैट 6220, एंड व्हाट इज द पाथ लेंथ एल, 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर इज द 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। नाउ सवाल ये उठता है कि ये तो एब्जॉर्बेंस है, इस एप्साइलन की यूनिट नहीं दी हुई है। अगर आप देखेंगे तो इसी तरीका का एक क्वेश्चन आया हुआ था सीएसआईआर एग्जामिनेशन में, एग्जैक्टली कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन था जिसमें कि मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं थी, पाथ लेंथ की यहाँ पे यूनिट दी, मतलब मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की यूनिट ही नहीं थी। अगर जब भी यूनिट ना दी हुई तो अब हम किस में कंसीडर करेंगे भैया, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है ना कि अब हम इसको, क्योंकि नॉर्मली मोलर कोफिशियंट इस एप्सिलॉन की वैल्यू किस में है कि क्या ये मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में या मिलीमीटर इनवर्स में, क्योंकि ये तो मिलीमीटर में दिया है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कन्फ्यूजन। लाइक अगर आप लिटरली सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ये इनसफिशियंट हो जाएगा बिकॉज एक्सटेंशन कोफिशियंट की वैल्यू नहीं दी हुई है। लेकिन अगर कभी भी कुछ नहीं दिया हो तो व्हाट यू विल कंसीडर, यू विल कंसीडर स्टैंडर्ड वैल्यू, दैट मोलर पर सेंटीमीटर या मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो अब अगर ये सेंटीमीटर में है तो यू हैव टू कन्वर्ट लेंथ इनटू द सेंटीमीटर। अगर एक मिलीमीटर 10 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इट इज सिंपली लाइक, ठीक है, अगर देखेंगे तो अल्टीमेटली बोला जाए कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 मिलीमीटर, जिसको नहीं पता है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। That means अगर 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये जो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ यू हैव टू अप्लाई द बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस इक्वल टू ई सी एल, एब्जॉर्बेंस इक्वल टू ई सी एल, ई सी एल एप्सिलॉन इंटू सी इंटू एल। यू हैव टू कैलकुलेट द सी, दैट मीन्स एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन इंटू एल।
absorbance is 0.8, that this one is 6220 into 1. 0.8 को जरा सा हटाते हैं, हम हटाते हैं इसमें 100 का नीचे 100 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वुड बी 80 एंड 100 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर मैं 100 को हटाऊं तो दिस इज लाइक 6.22 into 10 to power 5, क्योंकि 10 टू पावर 3 यहां से निकलेगा और 10 टू 100 100 मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 10 टू पावर 5 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट 6 से कितनी बार जा रहा होगा, जरा से डिवाइड करेंगे ये ऑलमोस्ट 1 और 3 लगभग इतना बार जा रहा है, क्योंकि 13 अगर 13 6 78 बोला जाए 6.22 तो 80 के आसपास आएगा। तो ये हो जाएगा 1.3 into 10 to power 5 minus 5। इस 1.3 को और हटाना है, आप क्या करेंगे 10 से ऊपर मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो हो जाएगा 13 into 10 to power minus 6। तो 13 जो हो जाएगा ये माइनस 6 हो जाएगा, जैसे अभी माइक्रोग्राम हुआ था तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो मोलर, क्या बोलेंगे, 13 into 10 to power minus 6, दैट वुड बी माइक्रो, अगर ये नॉर्मल मोलर था तो इसको हम बोल देंगे 13 माइक्रो मोलर, माइक्स माइनस 6 है तो इसमें आ जाएगा। तो नॉर्मली 13 या नियरली अगर बात करते तो 13 के आसपास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1, ये 12.86 एग्जैक्ट वैल्यू है, मैं एक नॉर्मल वैल्यू लेके चल रहा था, विदाउट कैलकुलेटर मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो अगर आप सॉल्व करना चाहो। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि सॉल्व किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला वीडियो था, मैंने इसमें 3 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आगे आने वाले वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में मैं ऑलमोस्ट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को टैकल करूं और 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल के साथ आपके साथ आऊं और उनको बताऊं, ताकि मैं अगले जो मेरे वीडियोस आएंगे, मेरे ऑलमोस्ट 15 वीडियोस होंगे, 15 से 20 के आसपास वीडियोस होंगे, तो उसमें कम से कम मैं कोशिश करूं कि मैं 100 डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को कवर अप करूं, जिससे कि अगर वो न्यूमेरिकल्स को आप देख ले तो उसमें से कम 20 तो आपसे बनी जाए। ठीक है, 20 बना लेते हो तब बहुत कुछ कर लोगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा, अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट नज़र आती है तो ज़रूर वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच। Dream is to clear the CSIR NET Life Science. I will bring your dream into reality. With my 4-year experience, smart hacks, smart strategies and smart approach, I will make you fall in love with all the 13 units. My courses are the best combination of smart hacks and the standard books. I am Viren Singh. Join me and my batch and individual courses on an Academy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code Viren or Viren Life to get the 10% discount. Let's crack it.